दुबई वालों का कहना है कि 2070 में दुबई की शक्ल ये होगी और गाड़ियाँ इस तरह उड़ रही होंगी फिजा में। ये 2070 की शान देखी है। ये देखिए परिंदों की तरह उड़ती हुई गाड़ी। नाज़रीन, दुबई म्यूज़ियम में हम मौजूद हैं। इनका ये कहना है, दावा है कि जो दुनिया से 10 साल पहले थी वो आज नहीं है, और ये दुरुस्त भी है। और दुबई वालों ने इसका अमली तौर पे मुजाहरा भी किया है, वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद को बदला है, तरक्की की है। अब दुबई म्यूज़ियम में इन्होंने बताया है कि मुस्तकबिल करीम में यहाँ पर कैसी गाड़ियाँ होंगी, उड़ने वाली गाड़ियाँ। ये म्यूज़ियम का हिस्सा ये दिखाया जा रहा है, ये वो गाड़ियाँ हैं। ये हवा में उड़ते हैं। और इन गाड़ियों के पायलट इस तरह के लोग नहीं। बात दुरुस्त है कि 10 साल बाद दुनिया बहुत बदल जाएगी। इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश में और साथ ही अरबी में भी सब कुछ डिटेल दी हुई है कि ये कैसे सब दुनिया में होगा। और बिल्कुल दुनिया इस वक्त जो है वो दस्तक दे रही है कि उड़ने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। फिलहाल तो ये इन्होंने जो बताई गई ये धागों से बांधी हुई और उनकी जो शक्ल है जो ऊपर लटकी हुई वो एक की तो शक्ल बिल्कुल जहाज ऐसी है, उस गाड़ी को जिप लाइन का नाम है। ये मुस्तकबिल को नई शक्ल दी जा रही है। ज़ाहिर है हम पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं तो हमारे दिल से दुआ ये भी निकलती है कि ऐसा सब कुछ पाकिस्तान में भी जल्द अज जल्द हो, पाकिस्तान भी तरक्की करे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि मुस्तकबिल की दुनिया कैसे बदलने वाली है। थोड़ी थोड़ी दूर भी इंसान जाने के लिए रोड पे दौड़ती हुई टैक्सियाँ नहीं बल्कि हवा में उड़ती गाड़ियाँ जो है वो हायर करेगा, उनमें बैठ के सफ़र करेगा। तो नाज़रीन, ये दुबई म्यूज़ियम में लगा हुआ साइबर शहीन है, इसको भी रिमोटली कंट्रोल रिमोट है। ये एयरपोर्ट्स और दूसरे इलाकों में परिंदों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। वैसे तो पाकिस्तान का ये कौमी परिंदा भी है
और ये भी हम जानते हैं पाकिस्तान ने अपने जो पेशा कौमी खेल हो या कौम का जो भी जिससे नाम जुड़ा उनका हम बुरा हाल ही कर देते हैं, लेकिन शाहीन जो है वो अपने जोर पावर पे कुत बाजू पे अब तक जो है वो हीरो है। और दूसरा ये साइबर डॉग, नाजरीन आप देख रहे हैं साइबर डॉग, ये साइबर डॉग जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैमराज लगे हुए हैं और ये डॉक्टरों की और दूसरे माइंस में काम करने वाले मजदूरों की हेल्प के लिए तैयार किया गया है। ये किसी घर में फंसे हुए लोगों को जख्मी को निकालने में लेते हुए बहुत मावन है। से नज़र आता है कि अहले दुबई की नज़रें जो हैं मुस्तकबिल पे कितनी दूर तक है। साइबर डॉग में क्या क्या क्वालिटीज हैं ये आप देखें, और ये अपने मालिक जो भी इसका इस रिपोर्ट का साइबर डॉग का जो भी मालिक होगा ये उसकी उसी तरह खिदमत करेगा जिस तरह हकीकत में कुत्ता वफादार होता है। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल साइबर डॉग होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जब करप्शन रुक गई, करप्शन से हमारी शराफिया को वक्त मिल गया तो फिर ये सारी तरक्कियाँ उधर भी होंगी। ऐसे ही एक हैंड बनाया गया साइबर हैंड, और इसको वेदर ग्रास्पिंग होल्डिंग टचिंग टैपिंग और प्रेसिंग इन एवरीडे लाइफ वी यूज अवर हैंड्स फॉर द मोस्ट डाइवर्स टास्क। मसनूई ज़हानत के लिए ये हाथ का कमाल बहुत ही अहम है, और ये कतन ऐसा नहीं है कि वो उसका हाथ नहीं है जो पाकिस्तान में अक्सर इस्तेमाल होता है। अलबत्ता मुस्तकबिल करीब में यही वो खुफिया हाथ होगा जो कई चीज़ों के इस को कंट्रोल करने में इस्तेमाल हुआ करेगा। तो नाज़रीन ये दुबई म्यूज़ियम में ये आइडिया दिखाया गया कि चांद में ऐसे घर होंगे, लोग ऐसे घूमे फिरेंगे चांद पर रहने वाले लोग, ऐसी दुनिया होगी, ऐसे वहाँ पर घर होंगे। वाकई ऐसे लगता है जैसे स्पेस में चल रहे हैं। ऐसी होगी चांद की दुनिया जैसा कि यहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है, और दुबई के हुक्मरानों का ख्याल है कि ऐसे वो घर बनाएंगे जाकर। तरफ भी देखा
पे ये चांद मौजूद है उस पे हम भी मौजूद हैं।